नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को मिले 7 नए आईपीएस अधिकारी। बिहार के 2 पर्यटन स्थलों को मिला बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इस दिन से शुरू होगी स्नातक परीक्षाएं। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। भारतीय गेंदबाजों के परफॉर्मेंस पर बोले सुनील गावस्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिले 7 नए आईपीएस अधिकारी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार को 2020 और 2021 बैच के 7 नए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें से 5 अधिकारियों ने इंजीनियरिंग कर रखी है। बता दें कि अभी सभी 7 नए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को 29 सप्ताह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिले का भी आवंटन कर दिया गया है। बता दें कि बिहार को जो 7 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं उनमें 2020 बैच के शिखर चौधरी, अपराजित वैभव चौधरी और 2021 बैच की सोनाक्षी सिन्हा, भानु प्रताप सिंह, परिचय कुमार और दीक्षा के नाम शामिल है। मालूम हो कि इन सभी अधिकारियों ने बीते मंगलवार को एक अन्य मार्ग स्थित में मुख्यमंत्री और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और अपने ट्रेनिंग के अनुभव को साझा किया था। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार विधान परिषद की खाली पड़ी 5 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के द्वारा उम्मीदवार के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई लिस्ट में जिन 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है उनमें सारण स्नातक सीट से पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह, कोशी शिक्षक सीट से रंजन कुमार और सारण शिक्षक सीट से धर्मेंद्र सिंह का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी के द्वारा गया शिक्षक सीट को लेकर अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के द्वारा अपने सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए छोड़ा गया है। जेपी गंगा पथ पर चलने के लिए देना होगा टोल टैक्स। बहुत जल्द ही लोगों को जेपी गंगा पथ पर चलने के लिए टोल टैक्स अदा करना होगा। बता दें कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होने वाली है। मालूम हो कि इस पथ के निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम से करीब 2500 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए थे, जिसे व्यावसायिक वाहनों से टोल लेकर चुकाया जाएगा। बता दें कि टोल टैक्स लेने के लिए टोल बूथ बनाने का काम राजापुर पुल के पास किया जा रहा है। इसके अलावा इस सड़क पर चलने वाले वैसे वाहन जो ओवरलोड होते हैं उनसे जुर्माना वसूलने के लिए वेट मशीन लगाई जाएगी। मालूम हो कि टोल नीति के तहत जेपी गंगा पथ के सड़कों पर चलने वाले वाहनों में व्यावसायिक, निजी और स्थानीय नागरिकों के वाहनों के लिए अलग अलग टैक्स निर्धारित किए जाएंगे। लालू परिवार के करीबी पूर्व विधायक के घर पहुंची ईडी। बीते दिनों जहां ईडी के द्वारा लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मिशा भारती से पूछताछ की गई, तो वहीं अब ईडी के द्वारा लालू यादव के करीबी रहे पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर भी छापेमारी की गई है। बता दें कि आज अबू दोजाना के फुलवारी शरीफ के हारून नगर स्थित आवास में छापेमारी की गई है। मालूम हो कि अबू दोजाना लालू परिवार की काफी करीबी माने जाते हैं। वह पटना के शगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम देख रहे थे, लेकिन अब अबू दोजाना पर लालू परिवार की कई और कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इस दिन से शुरू होगी स्नातक परीक्षाएं। 20 अप्रैल से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्नातक की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बता दें कि इसके लिए कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह के निर्देश के बाद स्नातक सत्र 2022-25 के परीक्षार्थियों को एक बार फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत अभ्यर्थी 11 से 13 मार्च तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पाटलिपुत्र वीवी के सुरक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 मार्च से स्नातक पार्ट 2 और 3 की नियमित व व्यावसायिक कोर्स के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के कार्यक्रम अगले सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। मालूम हो कि स्नातक परीक्षा में 3 वर्षों में लगभग 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इन परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजधानी पटना में हेल्प बटन दबाते ही मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार आम लोगों के सुरक्षा को लेकर काफी सजग है। इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना के 50 स्थानों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाई गई है, जिसकी मदद से संकट में फंसे लोग बस एक बटन दबाने से ही अपने संकट को दूर कर सकते हैं। दरअसल उस कॉल बॉक्स में मौजूद बटन को दबाने से केवल 2 बीप के बाद व्यक्ति सीधे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी से जुड़ जाएगा और साथ ही उस व्यक्ति के लोकेशन की भी जानकारी कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी को मिल जाएगी, जिसके बाद कंट्रोल रूम में बैठा अधिकारी इस बात की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस को देगा और फिर वहां से तुरंत व्यक्ति के पास सहायता पहुंच जाएगी। बिहार में 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित।
समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजकर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि इसकी शुरुआत अप्रैल मई से की जाएगी। मालूम हो कि आदर्श केंद्र के रूप में आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए आधारभूत पोषाहार, चाइल्ड फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका समेत अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित होने वाले सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 शुरुआत किया जाएगा। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोडिंग के माध्यम से सभी लाभुकों को अन्य योजनाओं का भी लाभ आसानी से मिल सकेगा। बिहार के 2 पर्यटन स्थलों को मिला बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड। बिहार की ओर से पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा के लिए बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि उन्हें यह अवार्ड केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के हाथों से सौंपा गया है। मालूम हो कि बिहार में स्थित यह 2 पर्यटन स्थल अपने प्राचीनता से देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। बता दें कि राजगीर का साइक्लोपियन वाला 2500 साल पुरानी इंजीनियर का नायाब नमूना है। यह दीवार राजगीर की पंच पहाड़ियों को जोड़ती है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की एक धरोहर है जिसे जहांगीर खिलजी ने चला डाला था, जिसके बाद यह विश्वविद्यालय एक खंडहर में तब्दील हो गया था। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए इन दोनों स्थानों को हेरिटेज सिटी अवार्ड के लिए चयन किया गया। चिराग भाजपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को होना है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भाजपा के साथ चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि भाजपा और लोजपा रामविलास का गठबंधन गया शिक्षक सीट पर देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी के द्वारा आज यानी कि शुक्रवार को 4 निर्वाचन सीटों से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब तक गया शिक्षक सीट से बीजेपी के द्वारा अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह सीट अपने सहयोगी दल लोजपा के लिए छोड़ दिया है और वहां से उम्मीदवार के रूप में डीएन सिंह का चयन किया जा सकता है। ऑडिट जांच में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का हुआ खुलासा। शिक्षा विभाग को हाल ही में सौंपी गई एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट से बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का खुलासा हुआ है। बता दें कि इस खुलासे के तहत यह जानकारी मिली है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पिछले 2.5 सालों में केवल 150 नियमित शिक्षक मिले हैं। बता दें कि इस विशेष ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षकों की 54.88% और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की 56% की कमी है। ऑडिट रिपोर्ट यह जानकारी देती है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समुचित संख्या में अतिथि अथवा अंशकालिक शिक्षक नियुक्त नहीं हो सके हैं। मालूम हो कि प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों में मौजूद शिक्षकों के कुल 7614 पदों में से 4169 पद खाली हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले घर पर मारा छापा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर कुछ दिनों पहले ही ईडी के द्वारा राबड़ी आवास और दिल्ली में स्थित मिशा भारती के आवास पर पूछताछ की गई थी। वहीं आज एक बार फिर ईडी के द्वारा इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही ईडी की टीम के द्वारा आज लालू यादव के कई करीबियों के घर भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ईडी की टीम के द्वारा अलग अलग शहरों में 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें पटना, रांची, दिल्ली, NCR समेत कई स्थान शामिल है। वहीं अब ईडी की टीम ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसते हुए उनके दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर भी रेड मारा है। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सुरवाला पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में शोर हुआ था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तब सब सुधर जाएगा। उस दौरान नरेंद्र मोदी का अभियान हमने ही चलाया था। उन्होंने कहा कि 2012-13 में यूपी बिहार में नरेंद्र मोदी को कोई जानता तक भी नहीं था। वही लोग हमसे आज कहते हैं कि तुम जानते भी हो, नरेंद्र मोदी से ही हमारे देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक उन्होंने एक बार भी बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं की। अगर इसका प्रमाण पीएम मोदी के द्वारा हमें दे दिया जाता है तो हम कल से ही नरेंद्र मोदी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। इस शर्त के साथ सुधाकर सिंह सीएम को पीएम कैंडिडेट मानने को तैयार।
बीते कई दिनों से बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। वहीं अब उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उनके सामने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस शर्त को सीएम पूरा कर देते हैं तो मैं उन्हें पीएम कैंडिडेट मानने को तैयार हूं। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि जो किसानों से जुड़ी मांगों को मानेगा वही व्यक्ति पीएम कैंडिडेट के लायक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में सुधाकर सिंह के द्वारा मंदी कानून को लेकर प्राइवेट बिल लाया गया था। वहीं इस बार के सत्र में भी उन्होंने प्राइवेट बिल पर आगे की कार्रवाई करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने 18 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख एक बार फिर से बिहार में मंडी व्यवस्था शुरू करने और मल्टीपल एजेंसी को शामिल करने की मांग की थी। भारतीय गेंदबाजों के परफॉर्मेंस पर बोले सुनील गावस्कर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी और चौथे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों के परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर थोड़े नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नई गेंद लेने के बाद अच्छी गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि दूसरी नई गेंद इस्तेमाल किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने खुलकर रन बटोरा। ऐसा लग रहा था मानो नई गेंद लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई गेंद लेने के बाद भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा करने की जरूरत थी। आज जो भी भारतीय गेंदबाज ने किया उसे लेकर वो लोग जरूर सोच विचार कर रहे होंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, विपिन लाल वर्मा, रंजीत मिश्रा, सदुल्लाह पलवी, पवन सिंह, भान प्रकाश मौर्य, योगेंद्र रजक, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राम प्रसाद सहनी, कविता कुमारी, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, मुटू रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार में आपका मनपसंद ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन सा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।